केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एनजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। पर्यावरण दिवस के मौके पर जनतांत्रिक मोर्चा के वरिष्ठ नेता सरयू राय आज दामोदर नदी का निरीक्षण करने पहुंचे जामाडोबा, जल का लिया सैंपल। इस दौरान उन्होंने तीरंदाजी में अपना जौहर दिखा चुकी खुशी कुमारी के घर भी पहुंचे और गुलदस्ता व उपहार देकर किया सम्मानित। झारखंड के आंदोलनकारी से मिले और उन्होंने कहा कि जो भी समस्या होगी उसको पूरा करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण दिवस है, दामोदर नदी में पूरे धनबाद का प्रदूषित पानी गिराया जा रहा है जिसके कारण जल दूषित हो रहा है, जिसका सैंपल लिया जा चुका है जिसको जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने खुशी कुमारी को उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि इन्हें धनुष की व्यवस्था सरकार करेगी या टाटा कंपनी करेगी, अगर यह दोनों नहीं करेंगे तो हम लोग जैसे सक्षम व्यक्ति आपस में मिलकर खुशी के लिए धनुष की व्यवस्था करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की जो भी समस्या होगी उसे दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और इनकी आवाज़ को सदन में उठाया जाएगा। आप देख रहे हैं खुशी कुमारी के घर गुलदस्ता देते हुए झारखंड के वरिष्ठ नेता सरयू राय। कद्दावर नेता में गिने जाते हैं सरयू राय, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था और उसके बाद सरयू राय एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे। आप देख रहे हैं सरयू राय दामोदर नदी के तट पर हैं, जामाडोबा स्थित काली मेला के समीप जल का निरीक्षण करते हुए अपनी टीम के साथ। सरयू राय दामोदर नदी का प्रदूषित जल से काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं और उनका कहना है कि दूषित जल पर अगर रोक नहीं लेते करेंगे और दूसरे लोगों पर कार्रवाई मांग करेंगे। आप देख रहे हैं पर्यावरण दिवस के मौके पर पहुंची यह टीम सरयू राय के नेतृत्व में। कद्दावर नेता सरयू राय के नेतृत्व में यह टीम झरिया कोयलांचल में। हमारे झारखंड ब्यूरो शिशिर कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, केसीएन टीवी चैनल से सरयू राय। बताइएगा आज का कार्यक्रम के विषय में दो शब्द बोले। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके अवसर पर हम लोगों ने कोविड के पहले जो हमारा अभियान चलता था दामोदर पर, 2 साल के बाद जहाँ जहाँ अशुद्धियाँ गिरती हैं दामोदर नद में वहाँ का हम लोग नमूना इकट्ठा कर रहे हैं और ये समीक्षा करेंगे कि इससे प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। इस वर्ष हम लोगों का ध्यान इस पर है कि औद्योगिक प्रदूषण के बारे में हम लोग 15-16 साल से काम कर रहे हैं। दामोदर में औद्योगिक प्रदूषण बहुत कम हो गया है, मगर दूसरी तरफ जो नगरीय पोल्यूशन है, बड़े बड़े शहरों से, बस्तियों से, नगर पालिकाओं से जो पानी निकलता है गंदा, हमारा आपका जल मल निकलता है, सीधे नदी में आता है। और हम जामाडोबा के पास खड़े हैं, यहाँ जहाँ पर धनबाद के उत्तरी छोर का जलमल गिरता है नदी में, गंदा दूषित काला दुर्गंधयुक्त पानी, वही पानी खींचकर पीने के लिए झरिया जाता है, धनसार तक जाता है। लोग कहेंगे कि हम इसकी सफाई करते हैं, और सफाई हम कितना भी करें कि कोई कह दे कि आपके शरीर से जो जलमल निकल रहा है उसको घर में साफ करके आप पीजिए, तो किसी का दिल गंवारा नहीं करेगा। हमारा अभियान इस बार राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए है,
कि जहाँ नगर पालिकाओं का जलमल नदी में गिरता है उसके पहले आप उसको साफ करिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। यहाँ तो बहुत जगह है, BCCL के लोग यहाँ हैं, टाटा के लोग हैं, कई उद्योगपति हैं, सरकार है, नगर पालिका है, ये सब मिलकर अगर दो नाले धनबाद से आ रहे हैं, एक जामाडोबा में और एक हम लोग अभी ऊपर गए थे वहाँ पर, तो ये दोनों के ऊपर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें तो धनबाद के लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि साहब हमारा जो जलमल युक्त पानी हमारे घरों से जाता है उसको साफ कर देती है सरकार, रोक देती है और साफ पानी दामोदर में गिराती है, उसके लिए पीने का इस्तेमाल करें, नहाने के लिए इस्तेमाल करें। ये दोनों जगहों पर हम लोगों ने देखा, जहाँ धनबाद के नाले आ रहे हैं वहाँ पानी एकदम मृत प्राय है, कोई भी ऐसा जलीय जीव जो थोड़ा प्रदूषण में भी रहे वो यहाँ नहीं पाया जाता है। केवल लाल रंग के वे कीड़े जो केवल प्रदूषण में ही रहते हैं यही दोनों जगहों पर पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। दामोदर बचाओ आंदोलन की तरफ से दामोदर को स्वच्छ रखने का हमारा जो संकल्प है और हम लोगों के साथ मिलकर इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास समाज को साथ लेकर कर रहे हैं, वही समाज अब दबाव डाले धनबाद के नगर पालिका पर, राज्य की सरकार पर और जगहों पर जहां नगर पालिकाएं हैं उन पर कि साहब हमारा जलमल को साफ करके हमको पीने के लिए व्यवस्था करिए, जलमल निकासी जहां होती है नदी के पहले उसको साफ कर लीजिए, साफ पानी नदी में गिराइए। यानी औद्योगिक प्रदूषण में हमको 95% सफलता मिल गई है। आज हम लोग शुरुआत इस काम ने किया पंचायत से, पंचायत डैम का पानी इतना साफ इतना शुद्ध है कि वे सारे जलीय जीव वहां मिल रहे हैं, जो 1% प्रदूषण होगा तब भी वहां नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब वहां का पानी साफ हो गया है, वह पानी पीने लायक है। तो जब वहां ये नदी का पानी घूमते घूमते 30 किलोमीटर दूर पंचायत जाता है और नदी बीच में अपने आप को साफ कर लेती है तो हम क्यों नदी को ऊपर में गंदा कर रहे हैं, नदी और भी अधिक साफ रहेगी। और हम यही कहते हैं कि नदी को साफ करने के लिए अभियान करने की जरूरत नहीं है, नदी को जो गंदा कर रहे हैं वे नदी को गंदा करना रोक दें तो नदी को हर बरसात में अपने आप को साफ कर दें। इसलिए दामोदर पवित्र नद है, इसका पानी हमेशा ही साफ रहना चाहिए, कहीं भी लोग जाएं और उंगली से पानी लें और पी लें इस तरह की बात अगर होगी तभी हम समझेंगे कि दामोदर पूरी तरह साफ हो गया है। केवल औद्योगिक प्रदूषण कम हो जाने से ही दामोदर को साफ नहीं माना जाएगा, नगरीय प्रदूषण भी दूर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में नई और ताजा खबर के साथ।